And welcome to presentation of utilization of electrical engineering, that is unit three UW two two six two six. Now this is second video of unit three, <clears throat> and the topic we have to learn is bearing and enclosures. Presented by Utkarsha Sonika, Department of Electrical Engineering. Now learning outcomes after watching this video, student will be able to learn first use bearing.

जो भी मोशन एक मोटर को चाहिए होती है वो मोटर को प्रॉपर मोशन में लाता है और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन जो भी मूविंग पार्ट है उसके बीच का जो भी फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस करता है बेरिंग नाउ फंक्शन ऑफ बेयरिंग इट सपोर्ट्स द रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन रोटेटिंग पार्ट को सपोर्ट करता है इट हेल्प्स टू मेंटेन मूविंग मेंबर ऑफ अ मशीन टू अ फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन रिलेटिव टू स्टेशनरी पार्ट मेंटेन करके रखता है जो भी फिक्स्ड मटेरियल है मोटर में उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भी बेयरिंग का काम होता है इट हेल्प्स मूविंग कंपोनेंट टू रोटेट विथ रिड्यूस रिड्यूस्ड फ्रिक्शन फ्रिक्शन रिड्यूस करता है जो भी रोटेटिंग मटेरियल है उनके बीच में वो क्या करता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन रिड्यूस करता है इट रिड्यूस नॉइज ओब्वियसली फ्रिक्शन कम होगा तो जो जो भी मोटर में फ्रिक्शंस कम हो रही है वहाँ पर नॉइज़ क्या होगा रिड्यूस नाउ द टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स देर आर टू टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स हमें पढ़ना है फर्स्ट इज़ बॉल और रो रोलर बेयरिंग वहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है बॉल बेयरिंग की और रोलर बेयरिंग की सेकेंड इज स्लीव और ब्रश बेयरिंग इट इज़ मेड फ्रॉम ब्रॉन्स ये नीचे में जो भी डायग्राम है वो कैसी है स्लीव और ब्रश बेयरिंग की है उसके बाद बॉल और रोलर बेरिंग एडवांटेजेस ऑफ बॉल और रोलर बेरिंग एडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए कि बॉल और रोलर बेरिंग के एडवांटेजेस क्या है ये पूछा जाता है लो रनिंग एंड स्टार्टिंग फ्रिक्शन आई फ्रिक्शन लॉस इज लेस इट प्रोड्यूसेस लेस नॉइस मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो एंड लॉन्ग लाइफ इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉल और रोलर बेरिंग बॉल बेरिंग्स टेन टू हैव लोअर लोड कैपेसिटी फॉर देयर साइज देन अदर काइंड ऑफ रोलिंग लोड कैपेसिटी क्या है बॉल और रोलर बेरिंग की कम है एलिमेंट बेयरिंग्स ड्यू टू द स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द बॉल्स एंड रेसेस ड्यू टू स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया होने की वजह से जो भी लोड कैपेसिटी है उसमें वो क्या होती है कम होती है अप्लीकेशन ऑफ बॉल एंड रोलर बेरिंग इट यूजेस फॉर इंडक्शन मोटर बिकॉज फ्रिक्शन लॉस इज लेस हिंस वी कैन कीप एयर गैप बिटवीन स्टार्टर एंड रोटर मिनिमम एंड केप कॉन्स्टेंट ये इंडक्शन मोटर में इसका यूज़ होता है इट इज़ यूज फॉर शाफ्ट पोजिशन अदर दैन हॉर्जेंटल टू टेक एक्सल थ्रस्ट क्या करते हैं इसमें शाफ्ट पोजिशन को हॉरिजेंटल पोजिशन में प्रॉपर मैंटेन करने के लिए हम इसमें बॉल और रोलर बेरिंग का यूज़ करते हैं सेकेंड है स्लीव बेयरिंग नो एडवांटेजेस ऑफ स्लीव बेयरिंग स्लीव बेयरिंग ऑफर सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग लोअर कॉस्ट लेस मेंटेनेंस ग्रेटली रिड्यूसेस नॉइस एंड लो स्पीड्स एंड इजियर इंस्टॉलेशन स्लीव बेरिंग परफॉर्मेंस इज ऑल्सो मार्क्ड बाय अ हायर लोड कैपेसिटी स्पेशली शॉर्ट लोड रेजिस्टेंट ड्यू टू देअर ग्रेटर कॉन्टैक्ट जोन इसमें कॉन्टैक्ट जोन ज़्यादा होता है और बॉल बेयरिंग में कॉन्टैक्ट जोन कम होता है दैट्स वाई क्या होता है इसमें लोड कैपेसिटी हायर होती है नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लीव्स बेयरिंग लार्ज फ्रिक्शन लॉसेस फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा है इट प्रोड्यूसेस नॉइज थोड़ा नॉइज होता है इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मोर लुब्रेटिंग ऑयल इज़ कंपल्सरी एंड इट कैन बी चेक्ड एंड रिप्लेस्ड आफ्टर सिक्स मंथ इसमें ऑयल होना चेक प्रॉपर होगा तभी वो प्रॉपर वर्क करेगा एंड अप्लीकेशन मोटर विथ ऑलवेज बेरिंग विथ होरिजेंटल शाफ्ट एक होरिजेंटल शाफ्ट के साथ इसका मोटर नाउ इंक्लोजर्स व्हाट इज इनक्लोजर्स इनक्लोजर्स प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन डाइवर्स बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एंड यूटिलिटी अप्लीकेशन क्या करता है इन्क्लोजर प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग के जो भी इक्विपमेंट है या इंडस्ट्रियल के जो भी इक्विपमेंट है दे मे ऑल्सो शेड इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस कोई भी फ्रीक्वेंसी उसमें इंटरफेरेंस हो रही है तो उससे भी इंक्लोजर क्या करेगा प्रोटेक्ट करके रखेगा इंक्लोजर्स आर ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्टर्स कंट्रोल पैनल्स एंड स्विचेस क्या करता है इंक्लोजर्स ये आपको यहाँ डायग्राम दिख रही है इस टाइप के इंक्लोजर्स होते हैं तो ये सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्टर्स कंट्रोल पैनल एंड स्विचेस इन सबको प्रोटेक्ट करता है और ये आउटर जो है ये अंदर के जो भी मोटर की इक्विपमेंट है ये भी क्या है इंक्लोजर अंदर के जो भी इक्विपमेंट है उसको क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा नाउ टाइप्स ऑफ एंक्लोजर्स पहला टाइप है उसमें ओपन ड्रिप प्रूफ इन दिस क्या होता है अलाउज एयर टू सर्कुलेट थ्रू द वाइंडिंग फ्रॉम कूलिंग बट प्रिवेंट ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम फॉलिंग इन टू मोटर विद इन अ फिफ्टीन डिग्री एंगल फ्रॉम वर्टिकल टिपिकली यूज फॉर इंडोर अप्लीकेशन इन रिलेटिवली क्लीन एंड ड्राई लोकेशन जो भी आ, मोटर में पानी का जो एंट्रेंस है वो होने नहीं देगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ओपन ड्रिल प्रूफ और ये प्रॉपर कहाँ पर यूज़ करते हैं तो इनडोर अप्लीकेशंस के लिए हम इसको इस टाइप के मोटर्स यूज़ करते हैं इस टाइप के मोटर का इंक्लूजर यूज़ करते हैं और ये रिलेटिवली हम क्लीन प्लेसेस पे और ड्राई लोकेशन पे यूज़ करते हैं सेकेंड इज़ टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड प्रिवेंट्स द फ्री एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द फ्रेम बट डज नॉट मेक द फ्रेम कंप्लीटली एयर टाइट क्या करता है एयर को अंदर जाने से रोकता है बट टोटली totally क्या होता है एयर <coughs> टाइट नहीं होता फैन इज़ अटैच टू द शाफ्ट एंड पुशस पुशेज एयर ओवर द फ्रेम ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन टू हेल्प इन द कूलिंग प्रोसेस जो भी मोटर में एयर एंट्री से प्रोटेक्ट करता है बट वहाँ पर क्या होता है एक फैन अटैच होता है इन द शाफ्ट जो भी क्या करता है वो मोटर को कूल रखना कूल रखने का काम करता है थर्ड इज टोटली इनक्लोज नॉन वेंटिलेटेड सिमिलर टू टी ई सी एफ टीई एफ सी जो पहले देखा बट हैज़ नो कूलिंग फैन एंड रिलेज ऑन कन्वेंशन फॉर कूलिंग नो वेंट ओपनिंग टाइटली एंड क्लोज टू प्रिवेंट द फ्री एक्सचेंज ऑफ एयर बट नॉट एयर टाइट ठीक है पहले उसमें फैन अटैच होता है तो इस टाइप में फैन अटैच नहीं होता है नो वेंटिलेशन होता है तो टोटली क्लोज होता है यहाँ एयर की एंट्री पर एंट्री uh, भी होती है बट एंट्री uh, नहीं होती बट नॉट टोटली एयर टाइट नॉट टोटली एयर टाइट होता है कुछ ऐसी uh, जगह है जहाँ से एयर भी पास होती है नेक्स्ट इज टोटली इंक्लोज एयर ओवर डस्ट टाइट फैन एंड ब्लोअर ड्यूटी मोटर्स डिजाइन फॉर शाफ्ट माउंटेड फैंस और बेल्ट ट्रैवन फैंस द मोटर मस्ट बी माउंटेड विद द एयर फ्लो ऑफ द फैन इस टाइप में क्या होता है एक तो डस्ट टाइट फैन होता है एंड ब्लोअर ड्यूटी मोटर्स डिज़ाइन जो होती है जहाँ शाफ्ट में फैन और यहाँ पे बेल्ट ड्राइव फैंस भी अटैच होते हैं तो मोटर मजबी माउंटेड विद द एयर फ्लो ऑफ द फैन नाउ टोटली एनक्लोज वॉश डाउन डिजाइन टू विस्टैंड हाई प्रेशर वॉश डाउंस और हा और अदर हाई ह्यूमिडिटी और वेट इन्वॉर्मेंट्स इस टाइप का इंक्लोजर कहाँ यूज होता है जहाँ हाई प्रेशर होता है वे भी ह्यूमिड एन्वायरमेंट में और वेट एनवायरमेंट में एक्सप्लोजन नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन प्रूफ एनक्लोजर्स द एक्सप्लोजन प्रूफ मोटर्स इज अ टोटली इन्क्लोज मशीन एंड इज डिजाइन टू विस्टैंड एन एक्सप्लोजन और स्पेसिफाइड गैस और वेपर इनसाइड द मोटर के सिंग एंड प्रिवेंट द इग्निशन आउटसाइड द मोटर बाय स्पार्क फ्लैशिंग और एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन प्रूफ एनक्लोजर में क्या होता है जो भी आउटसाइड जो भी इनसाइड या आउटसाइड मोटर में जो भी गैस के वजह से या वेपर के वजह से इग्निशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ इंक्लोजर्स का यूज करते हैं नाउ समरी हम इसमें क्या पढ़े हैं बेयरिंग एंड इंक्लोजर्स प्रोग्राम आउटकम ऑफ दिस पेपर इज दिस थैंक यू